Hello students, I am Jyoti here and in this video we will discuss about some questions related to president. Okay, so president के बारे में आपको constitution के part 5 में article 52-78 में देखने को मिलेगा. तो चलते हैं first question की ओर. First question is भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? और यहाँ पर nominal head की बात हो रही है. नॉमिनियल इट मीन्स जिसके नाम पर तो सारे वर्क होते हैं बट एक्चुअल में जो वर्क कर रहा होता है वो प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है. ओके, तो यहाँ पर नॉमिनियल हेड की बात हो रही है जो कि राष्ट्रपति हैं. और राष्ट्रपति की तुलना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? ब्रिटेन के सम्राट से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रपति पद्धति में समस्त शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में होती हैं. संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है. ओके, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, जो भारत की तीनों सेनाएं उनके सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति. और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स. और इंडियन होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य भी होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस पद्धति पर होता है? राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है. इट मीन्स सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के थ्रू राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो भी इनडायरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित कौन करता है? निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन. और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ओके, और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, इन सभी के जो चुनाव हैं इनको नियंत्रित और संचालित करेगा. ओके, नेक्स्ट इज राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में, जो भी डिस्प्यूट्स हैं. और चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है. राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर. और ये महाभियोग तभी चलाया जाएगा जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेंगे, तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा. और ये महाभियोग लगाने पर जब जो आरोप लगाए गए हैं उन पर कितनों के हस्ताक्षर होने चाहिए? जो सदन है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए आरोपों पर, और 14 डेज पहले ही नोटिस मिल जाना चाहिए प्रेसिडेंट को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज भारत के राष्ट्रपति को जो पद एवं गोपनीयता की शपथ है कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश. कौन दिलाता है शपथ? भारत का मुख्य न्यायाधीश. और अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो फिर कौन दिलाता है? जो भी उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी वरिष्ठतम जज है, ठीक है, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ जो है दिलाएगा. ओके, और ये शपथ कौन से आर्टिकल के अंडर दिलाएगा? आर्टिकल 60. नेक्स्ट इज राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पत्र जो है वो किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को. और त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति फिर किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को. नेक्स्ट इज कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? वो थे नीलम संजीव रेड्डी. और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, वो किस राज्य के थे? वो बिहार राज्य के थे. नेक्स्ट इज भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की. नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑब्वियस सी बात है, उपराष्ट्रपति की वो नियुक्ति नहीं करता. और वित्तीय जो बिल होते हैं जो उनके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है वित्तीय बिल को लाने से पहले. नेक्स्ट
जो राष्ट्रपति है लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? टोटल है 14, 12 जो है वो राज्यसभा में कर सकता है और 2 लोकसभा में कर सकता है, तो टोटल कितने हो गए? 14। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74(1) ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसकी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, उसको सलाह उसकी माननी पड़ेगी, यानी राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी। एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा जब वो भेजता है उसको स्वीकृति देने के लिए कोई भी चीज़ है, तो वो फिर राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता? ऑब्वियसली बात है, धन विधेयक को, क्योंकि धन विधेयक को लाने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, तो तभी समझ लिया जाता है कि जो ये धन विधेयक है ये राष्ट्रपति की अनुमति से हम लाए हैं, तो नॉर्मली ये पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता, तो इसीलिए धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। नेक्स्ट, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे क्षमादान कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है, और ये क्षमादान की शक्ति जो है राष्ट्रपति की वो कौन से आर्टिकल के अंडर में है? यानी आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है। ओके, नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाक अधिनियम में जो है राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, और भी अधिनियम है जिसमें अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, क्योंकि राष्ट्रपति को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल राष्ट्रपति को जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 कुछ वीटो शक्तियाँ मिली हैं जो 3 प्रकार की हैं, और उनके नाम हैं एब्सल्यूट, ठीक है, एब्सल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो एंड पॉकेट वीटो। ये 3 टाइप्स की वीटोज़ हैं जो राष्ट्रपति को मिली हुई हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111(1)(1)(1). ओके, नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश। ओके, नेक्स्ट, अध्यादेश जारी यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यह है विधायी अधिकार। और ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंदर में मिला हुआ है? तो अध्यादेश जो जारी कर सकता है राष्ट्रपति वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत इसको अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो ये कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति की? विधायी अधिकार है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति सांसदों, ठीक है, सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, वो भी इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के और दिल्ली एंड पुडुचेरी के, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पुदुचेरी एंड दिल्ली, तो ये सारे इलेक्टेड मेंबर्स भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति थी स्वतंत्र भारत की, तो ये कौन सी नंबर पर थी? ये 12th थी, 12th नंबर पे थी। ओके, नेक्स्ट, कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार
किसके पास है? राष्ट्रपति को है कि वो किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। नेक्स्ट इज संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है भारत का? राष्ट्रपति होता है। ओके नेक्स्ट, भारत के राष्ट्र जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव कैसे हुआ था? उनका चुनाव संविधान सभा द्वारा हुआ था, ये आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। और भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का वेतन अभी सभी हमको हम सबको पता है 1,50,000 पर मंथ। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो कितने समय के लिए रह सकता है? वो 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन जो है वो रह सकता है। और छः छः जो 6 6 मंथ के ड्यूरेशन में हमें जो है अनुमोदन लेना पड़ेगा राष्ट्रपति से आगे इसको कंटिन्यू रहने देने के लिए। ओके नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदकों की जरूरत होती है? 50-50। ओके, और राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर कितने समय में भरना जरूरी है राष्ट्रपति के पद को? 6 मंथ के अंडर में। और भारत के राष्ट्रपति की मर्जी किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है, मतलब उसकी मर्जी तक, उसकी मर्जी के बिना फिर वो नहीं रह सकता, तो वो है राज्यपाल। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ और समवर्ती सूची पर, तो राज्य, क्योंकि राज्य सूची पर तो राज्य का राज्यपाल करेगा, ठीक है ना? तो संघ और समवर्ती सूची पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ओके नेक्स्ट है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वो विधेयक अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। एक बार फिर से मैं रिव्यू करा देती हूँ कि पार्ट 5 में आपको राष्ट्रपति के बारे में देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, और इसमें आर्टिकल 1-1 के अकॉर्डिंग, जो आर्टिकल 1-1-1 है उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को वीटो पावर मिली हुई है, ठीक है? और आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है? और आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास यानी प्रेसिडेंट के पास क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, वो क्षमा कर सकता है। और आर्टिकल 74-1 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी और जिसकी सलाह उसके लिए क्या होगी? बाध्यकारी होगी। ओके सो एक और आर्टिकल है, वो आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से लेकर था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित करता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति के चुनाव को संचालित करेगा। ओके सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।